हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेटस बार के बारे में, जैसे कि हम स्टेटस बार को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और इस वाले ऑप्शन पर जाना है, नोटिफिकेशन स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है सेटिंग से, तो मैं एक आसान तरीका होता है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले सेटिंग पर जाएंगे, सर्च वाले ऑप्शन पर जाएंगे और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है स्टेटस बार। ये देखिए, ये आ गया। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आइकन शो हो जाएगा, डायरेक्टली आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और नोटिफिकेशन आइकन है, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आइकन है जो कि इस तरीके से आता है। और आप देख सकते हैं बैटरी स्टाइल है, बैटरी स्टाइल इस तरीके से यूज़ होती है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज है, बैटरी परसेंटेज को हम इनसाइड भी शो कर सकते हैं, आउटसाइड भी शो कर सकते हैं। डू नॉट शो, शो नहीं करना चाहते तो इसको भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल टाइम नेटवर्क, इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल टाइम नेटवर्क स्पीड हमारा शो करेगा, जो कि हमारा इस टाइम नेटवर्क की स्पीड चल रही है वो इसे शो करता है। तो इसको ऑफ़ कर दीजिए। इसमें और भी सेटिंग्स जैसे कि ब्लूटूथ है, रिंग है और अलार्म है, डाटा सेविंग है, डू नॉट डिस्टर्ब है, VPN है। तो इन सब सेटिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।